अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के भारत के फैसले की G7 देशों के ग्रुप ने आलोचना की थी। अब भारत के बचाव में चीन का बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टिंग का समाधान नहीं होगा। अब G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत से गेहूँ एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह भी कर रहे हैं। वही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी काफी कम है। इसके उलट अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में से हैं। यदि कुछ पश्चिमी देश पेट्रोलियम ग्लोबल फूड क्राइसिस के मद्देनजर गेहूं के एक्सपोर्ट को कम करने का फैसला लेते हैं, तो वह भारत की आलोचना करने की स्थिति में नहीं होंगे। एक ऐसा देश जो अपनी फूड सप्लाई को सिक्योर करने के दबाव का सामना कर रहा है, भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले पर जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा था कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों का संकट बढ़ जाएगा। वहीं उन्होंने अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाने की बात भी कही थी। रूस और यूक्रेन दोनों देश गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर हैं और फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सप्लाई की चिंताओं से वैश्विक गेहूं की कीमत बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 60% तक बढ़े हैं। वहीं भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहां सालाना लगभग 107.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में भी जाता है। वहीं भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के दो प्रमुख कारण है। पहला, गेहूं की सप्लाई खरीद कम हुई है। वहीं दूसरा, मौसम की मार से गेहूं की फसल पर इसका असर पड़ा है, जिस वजह से पैदावार भी कम हुई है। ऐसी स्थिति में देश के सामने ये आशंका खड़ी हो गई थी कि कहीं आने वाले समय में गेहूं के भंडार खाली ना हो जाए। वहीं सरकार ने ये भी साफ किया कि जिन कंपनियों फार्मों को 13 मई तक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC मिल चुके हैं, वे निर्यात कर सकेंगे। हालांकि ये नहीं बताया कि कितनी कंपनियों को 13 मई तक LOC मिल चुके थे। वहीं सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि कई कारणों से दुनिया में गेहूं की कीमतों में उछाल आया है, इससे भारत सहित पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो गया। इसे ध्यान में रखते हुए निर्यात पर रोक का फैसला भी लिया गया। पिछले महीने 15 तारीख को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि 2022-23 में गेहूं का निर्यात 100 लाख टन के पार जाएगा। अब सरकार का रुख बदलने से कुछ किसान संगठनों ने विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि इस फैसले से गेहूं के दाम घटेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि इससे आम लोगों को गेहूं उचित कीमत पर भी मिलेगा। वहीं एक्सपोर्ट पर अगर सरकार रोक नहीं लगाती है तो 2006-07 जैसे हालात बन सकते हैं। उस समय हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था, वो भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर। वहीं रोक नहीं लगती तो भारत में गेहूं के दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक उछल सकते हैं, जो अभी 2,300 रुपए के करीब है। आप सोचिए कि अभी देश में गेहूं की कमी नहीं है, फिर भी दाम बढ़ गए हैं। अगर बाद में कमी पड़ती है तो क्या हालात देखने को मिलेंगे। तो ये थी बात कि गेहूं को लेकर भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की G7 देशों ने भले ही और आलोचना की है, लेकिन चीन ने भारत सरकार के फैसले का बचाव किया है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।